सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम भगवान को कितना याद करें, ये आपकी हमारी भक्ति है भैया, ध्यान से सुनिएगा। पर परमात्मा हमें कब याद करे, ये हमारी भक्ति की पराकाष्ठा सार्थकता है। अंतिम समय जब भगवान गए ना अपने धाम को, 125 वर्ष के बाद भगवान ने ना अपनी मैया यशोदा का मक्खन याद किया, ना अपनी गोपियों का प्रेम याद किया, ना किशोरी राजा रानी का स्नेह याद किया, ना भिलनी के बेर याद किए, ना सुदामा के तंडुल याद किए। याद किया तो अंतिम समय में अपने भक्त विदुर को याद किया। काश आज मेरा भक्त विदुर मेरे पास होता, कितना आनंद होता। भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव जहां भी विदुर जी मिले उनको ये संदेश दे देना मेरा, भागवत धर्म का। उद्धव जी ने मैत्री जी को दिया और आज मैत्री जी ने विदुर जी महाराज को दिया। विदुर जी को अपनी कथा याद आ गई। जब महाभारत युद्ध की भूमिका बनने जा रही थी ना, तो उस समय भगवान शांति दूत बन के आ रहे थे। तो एक दिन विदुर जी ने आकर के धृतराष्ट्र को अकेले में समझाया। बोले, भैया धृतराष्ट्र तुम मेरे भाई लगते हो वैसे तो। शांतनु जी महाराज, भीष्म पितामह जी महाराज, विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र भाई थे सब। बोले वैसे, क्योंकि विदुर जी दासी पुत्र थे। बोले वैसे तो तुम मेरे भाई लगते हो, पर कोई बात नहीं, मैं मंत्री हूं, मंत्री का काम होता है सही सलाह देना। मंत्री, वैद्य, वकील, इनके इनकी दृष्टि में सही सलाह होनी चाहिए। राजन, तुम्हारे घर में जो तुम्हारा पुत्र है ना, वो बहुत बड़ा सूल बन गया है, और तुम्हारा पुत्र मोह ही उसकी आज ये परिणाम है सामने उसकी धृष्टता का। शास्त्र कहते हैं, अगर संपूर्ण देश को बचाने के लिए किसी एक नगर की बलि देनी पड़े तो दे दो, देश तो बच जाएगा। और अगर पूरे देश को, पूरे नगर को बचाने के लिए किसी एक परिवार की बलि देनी पड़े, उसको दे दो, उसको निकाल दो। अगर पूरे परिवार को बचाने के लिए किसी एक व्यक्ति को भी निकालना पड़े तो निकाल दो, परिवार तो बच जाएगा।